everyone, good morning. How are you? I hope you are all fine and safe in your room, having a big smile on your face for watching this video. Today we will cover Unit 5, India and the World, Chapter 25, Top Universities of Class 5, Subject GK. So, आज हम इस वीडियो में Chapter 25, Top Universities के बारे में पढ़ेंगे. Now I am going to explain Unit 5, India and the World, Chapter 25, Top Universities. A university is an institution of higher education and research. It grants academic degrees in a variety of subjects and can be government or non-government organization. एक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक संस्थान है. यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में शैक्षणिक डिग्री प्रदान करता है और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है. रीड द क्लूज गिवन बिलो अबाउट सम प्रेस्टिगियस यूनिवर्सिटीज एंड राइट देयर नेम्स. क्वियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ कुछ जो प्रेस्टिगियस यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में क्लूज दिया है, वो पढ़ना है एंड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है. The university is the fourth oldest surviving university in the world. It was established in 1209. यह विश्वविद्यालय दुनिया का चौथा सबसे पुराना जीवित विश्वविद्यालय है और यह 1209 में स्थापित किया गया था. तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? आप लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एसटी. हिल्डास कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी वॉज an all women's college until 2008. इस यूनिवर्सिटी में स्टेट हिल्डास कॉलेज था. तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. आप क्या लिखोगे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. दिस यूनिवर्सिटी इज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वॉज इस्टेब्लिश इन 1636. यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान है और यह 1636 में स्थापित किया गया था. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. आप लिखोगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. फोर, दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1861 बाय विलियम रोगर्स. इट इज सिचुएटेड अ कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स. इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1861 में विलियम राजस द्वारा की गई थी और यह कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स में स्थित है. कौन सी यूनिवर्सिटी है? मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. दिस यूनिवर्सिटी वॉज डेडिकेटेड बाय पेरेंट्स ऑफ लैंड जूनियर टू देयर सन हु डाइड फ्रॉम टाइफाइड एट द एज ऑफ 15. यह विश्वविद्यालय अपने बेटे को लैलैंड जूनियर के माता पिता द्वारा समर्पित किया गया था जिसकी डेथ 15 वर्ष की आयु में टाइफाइड से हुई थी. इट इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एंड वॉज फाउंडेड बाय फुकुजावा युकीची. यह जापान का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है एंड इसकी स्थापना फुकुजावा युकीची ने की थी. तो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? क्यूओ यूनिवर्सिटी. आप लिखोगे क्यूओ यूनिवर्सिटी. दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन 1746 ऑफ एलिजाबेथ एज द कॉलेज ऑफ न्यू जर्सी. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1746 में एलिजाबेथ न्यू जर्सी कॉलेज से की थी. इट इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड विथ ओवर 4 मिलियन स्टूडेंट्स. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1985 एंड इज नेम्ड आफ्टर अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. यह 4 मिलियन से अधिक छात्रों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है और यह 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी, मीन्स इसकी स्थापना हुई थी और इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था. इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. आप लिखोगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. डू यू नो द स्टैट्यू ऑफ जॉन हार्वर्ड इन द हार्वर्ड एट इज कॉल्ड एज द स्टैट्यू ऑफ 3 लियर्स बिकॉज द इंस्क्रिप्शन ऑन इट्स रीड्स जॉन हार्वर्ड फाउंडर 1638 ऑल्दो ही वॉज नॉट द फाउंडर बट अ बेनिफैक्टर हु वॉज हॉनर्ड इन द नेमिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी. क्या आपको पता है हार्वर्ड एड में जॉन हार्वर्ड की प्रतिमा को 3 जूटों की प्रतिमा के रूप में कहा जाता है क्योंकि इस पर शिलालेख जॉन हार्वर्ड संस्थापक 1638 पड़ता है. हालांकि वह संस्थापक नहीं बल्कि एक उपहारी थे जिन्हें नामकरण में सम्मानित किया गया था.
यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय के नाम से सम्मानित किया गया था। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि कौन से यूनिवर्सिटी की स्थापना कौन से साल हुई थी, एंड हमारे पास ये कुछ पिक्चर्स भी दी है यूनिवर्सिटी की जो बहुत ही सुंदर डिजाइन्स है। आवर चैप्टर हियर इज कंप्लीट, नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स। टॉप TOP, टॉप मीन्स ऊपर। यूनिवर्सिटीज UNIVERSITIES, यूनिवर्सिटीज मीन्स विश्वविद्यालय। इंस्टीट्यूशन INSTITUTION, इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्थान। रिसर्च RESEARCH, रिसर्च मीन्स अनुसंधान। एकेडमिक ACADEMIC, एकेडमिक मीन्स शैक्षिक। ऑर्गेनाइजेशन ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन। सर्वाइविंग SURVIVING, सर्वाइविंग मीन्स जीवित। फाउंडेड FOUNDED, फाउंडेड मीन्स स्थापित। इस्टेब्लिश ESTABLISHED, इस्टेब्लिश मीन्स स्थापना। हॉनर्ड HONORED, हॉनर्ड मीन्स सम्मानित। फाउंडर FOUNDED, फाउंडर मीन्स संस्थापक। बेनिफैक्टर BENEFACTOR, बेनिफैक्टर मीन्स दान देने वाला। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।